दिल्ली में हुई हिंसा में कई लोगों के घर जले तो कई लोगों के वाहन। इस हिंसा में कई बेगुनाह लोगों की जान भी गई। वहीं हमारे संवाददाता ने दिल्ली के गोकुलपुरी पहुंचकर मौके का जायजा लिया और वहां के लोगों से बातचीत भी की। इस वक्त हम गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन में मौजूद हैं और ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का वो इलाका है जहाँ पिछले 3 दिनों से काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। आगजनी भी हुई, हालात काफ़ी बिगड़े, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इस स्टेशन पे भी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं तैनात कर दिए गए हैं, तो आज हम उसी जगह पर जाएंगे, जायज़ा लेंगे कि क्या कुछ स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, क्या वहाँ पर भी ऐसी फोर्सेज देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर स्थिति जो थी वो काफ़ी तनावपूर्ण थी, काफ़ी कुछ वहाँ पर हुआ, तो हम वहां जाएंगे और जायजा लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है। तो यहां से हमारा सफर जो है वो शुरू हो चुका है और गोकुलपुरी जाकर हम आपके सामने पूरा जायजा रखेंगे। तो ये गोकुलपुरी का वही कार मार्केट है जहाँ 3 दिन पहले आग लगी, जो आग 2.5 घंटे तक थी। तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी, आप ये ऑटो देख सकते हैं, पूरी तरीके से ये जो है जल चुका है। तो ये वही जगह है जहाँ आग लगी थी, ये वही मार्केट है। मैं सबसे पहले मैंने आपको ये ऑटो दिखाया और जैसे जैसे मैं आगे चलती जा रही हूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि एक बाइक भी मौजूद है जिसमें आग लगी हुई है। यहाँ पर आपको एक कार भी मिलेगी और उसके पीछे भी एक ऑटो है। तो ये वही इलाका है और मैं आपको यहाँ भी दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दुकानें हैं वो इस टाइम पर बंद है, कुछ ही दुकानें खुली हुई हैं। यहाँ की जो शॉप एक खुली हुई है, बाकी सारी दुकानें हमें बंद दिख रही हैं, पर एक शॉप खुली है, तो हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। तो जब ये सब हुआ तब तो आप मौजूद नहीं होंगे, लेकिन आने के बाद कोई डर महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? डर तो अभी महसूस हो रहा है कि अकेली दुकानें मार्केट खुली है, इस वजह से पुलिस वाले इधर हैं तो इस वजह से खोल भी लिया है, वरना मैं तो बंद करने के इच्छुक। तो आप देख सकते हैं कि उनका साफ कहना है कि जो डर का माहौल था उसके चलते दुकानें बंद हो गई थी, उनको अभी भी दुकान चलाते हुए भी ये डर लग रहा है कि उनको दुकान चलानी चाहिए या नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हुआ उसका दृश्य मैंने आपको दिखाया कितना भयानक है। 3 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर अभी भी जो आपको मैं दृश्य दिखा रही हूँ आपको वहाँ साफ दिख रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर आग लगी थी। उसको बचाने के लिए दमकल की 6 गाड़ियाँ आई थी, तो यहाँ पर स्थिति काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी तनावपूर्ण थी, यहाँ पर काफ़ी विरोध हुआ था। हालात मैंने आपको दिखाए, लेकिन अभी का हम जायज़ा लें तो यहाँ पर जो है रोड चल फिर रही है, लोगों ने दुकानें जो हैं खोलना शुरू कर दी हैं, क्योंकि लोगों का साफ कहना है कि पुलिस की सिक्योरिटी है, तो अब हम डर नहीं रहे हैं। अब हम डर तो रहे हैं लेकिन हमारे पास ये है कि हाँ पुलिस की सिक्योरिटी है तो काम पर तो आना ही है, तो लोगों के अंदर डर अभी भी बना हुआ है। कैमरामैन केसर के साथ मैं फराह खान, R9 TV, गोकुलपुरी।